गर्मियों के मौसम का बढ़ता तापमान और बहती हुई गर्म तेज हवा गमले की मिट्टी को भी सुखा देती है और साथ ही साथ पौधे को भी डिहाइड्रेट करने लगती। आप मेरे इस येलो पॉइंसेटिया को देख सकते हैं, जिसमें बस एक दिन पानी नहीं डालने की वजह से पौधा पूरा मुरझा गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, जिससे आप गर्मियों में भी अपने गमले की मिट्टी को मॉइस्ट रख सकते हैं लंबे समय तक और पौधे को मुरझाने से बचा सकते हैं। वैसे तो मिट्टी को मॉइस्ट रखने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में मल्चिंग के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मल्चिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। पानी को कंजर्व करने के अलावा भी उसके कई सारे फायदे हैं, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सामने तीन पॉट देख रहे होंगे, मैं तीनों में मल्चिंग के तीन तरीके बताऊंगी। जो भी आपके लिए सुइटेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम इस गमले से जिसमें बेगम बहार का पौधा लगा हुआ है। इसमें ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। इस पौधे में कई सारी कलियां आई हुई है और ये कलियां अच्छे से खिल सके इसके लिए काफी जरूरी है कि इस गर्मी के मौसम में भी इसकी मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट रहे और मॉइस्चर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसलिए इस पौधे को मल्च करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कंपोस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो किचन वेस्ट में बहुत सारे ऐसे बड़े चंक्स होते हैं, जैसे कि आपने गाजर डाल दिया पूरा या फिर गोभी के डंठल डाल दिए, तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते, वो छोटे छोटे टुकड़े की तरह रह जाते हैं। उस तरह के टुकड़े को आप अपने पॉटिंग मिक्स में नहीं मिला सकते या फिर आप जो फर्टिलाइजर के साथ रेकमेंडेड होता है उसमें नहीं डाल सकते, इसलिए उन टुकड़ों को आप अलग करके उससे अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें यूज करके मिट्टी को मॉइस्ट भी रख लेंगे और साथ ही साथ वो पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी देते रहेंगे। किचन वेस्ट कंपोस्टिंग पे मेरा डिटेल वीडियो भी है, आप उसे एक बार जरूर चेक करिए। आप इसके बदले नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताने के लिए मैंने ये कैमेलिया का पौधा लिया है। कैमेलिया, एजेलिया और रोज ऐसे कुछ प्लांट हैं जिन्हें गर्मियों में मल्चिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये सारे प्लांट हैं तो उन्हें आप एक अच्छी मल्चिंग ज़रूर दे दीजिए। कैमेलिया और एजेलिया जैसे पौधों के पॉटिंग मिक्स में हम पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं और इस तरह के पौधों को बहुत अच्छी मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत होती है गर्मियों में सर्वाइव करने के लिए। नहीं तो इंडियन क्लाइमेट की जो गर्मी होती है वो इस तरह के पौधों को अक्सर मार देती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपका पॉटिंग मिक्स कम्प्लीटली ड्राई आउट हुआ तो आपके पौधे तुरंत से ख़राब होने लगते हैं और फाइनली आप इन पौधों से हाथ धो बैठोगे। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखा जाए। इस तरह के पौधों में आप प्लास्टिक से मल्चिंग कर सकते हैं और मल्चिंग के लिए आप बाहर से प्लास्टिक सीट बिल्कुल मत खरीदिए। आप कोई भी हाउस होल्ड सामान जैसे कि आटा, चावल, नूडल्स, इन सब के साथ आने वाले प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक सीट को पौधे के अराउंड अच्छे से एडजस्ट कर देने के बाद आप जॉइंट पे कोई भी छोटा पॉट जैसे कि सैक्यूलेंट का पॉट है उसे रख सकते हैं, क्योंकि सैक्यूलेंट की और फिर एजेलिया और कैमेलिया की रिक्वायरमेंट सिमिलर हो जाती है गर्मी के मौसम में। चलिए अब तीसरे गमले पे मल्चिंग का तीसरा तरीका देखते हैं। इस गमले में मैंने ऑरेंज का पौधा लगाया हुआ है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। फ्रेंड, अब अच्छे से फ्रूट बने, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए रेगुलर फर्टिलाइजर के साथ साथ मिट्टी का अच्छे से मॉइस्ट रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। और इस ऑरेंज के पौधे में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, रॉक फॉस्फेट और बनाना पील फर्टिलाइजर इंक्लूडेड है। इसलिए मैं इसे एडिशनल कंपोस्ट से मल्च नहीं करूँगी, इसे मैं सूखे पत्तियों से मल्च करूंगी। अगर आपके पास सूखी पत्तियां हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आप कोई पास के पेड़ के छाल को निकाल के उसे सुखाकर उससे भी मल्च कर सकते हैं। इस तरह की मल्चिंग भी मिट्टी को लंबे समय तक मॉइस्ट रखती है और साथ ही साथ जब ये पत्ते डिकम्पोज होंगे पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। मल्चिंग का ये तीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका था। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो या जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो
वो आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन हाँ, जो पौधे समर शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें आप मल्च जरूर कर दीजिए। इवन समर में लगाने वाली सीडलिंग को भी आप कुछ इस तरीके से मल्च कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे राइस हस्क यूज़ हुआ है, आप सूखे पत्ते या कोई भी दूसरी चीज़ यूज कर सकते हैं। मल्चिंग के कुछ तरीके तो मैंने बता दिए, चलिए अब मैं इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज बताती हूँ। मल्चिंग के एडवांटेज बताने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये स्ट्रॉबेरी पॉट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे मैंने प्लास्टिक सीड से मल्च किया हुआ है। वैसे तो इसके दो रीज़न हैं, एक मैं आपको स्ट्रॉबेरी वाले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि जहाँ पे भी मिट्टी प्लास्टिक सीड से कवर्ड है वहाँ पे कोई भी वीड नहीं है, कोई भी खरपतवार नहीं उगे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे ये एक्सपोज्ड है, बाहर से प्लास्टिक सीड नहीं बिछा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीड आए हुए हैं। मतलब मल्चिंग लेजी गार्डनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो उन्हें पानी कम डालना पड़ेगा, दूसरा खरपतवार हटाने में जो उनका टाइम जाता है वो बच जाएगा, और तीसरा फर्टिलाइजर भी अगर आप कभी स्किप करते हैं तो ऑर्गेनिक मल्चिंग वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी प्लांट का पूरा कर देगा। है ना मल्चिंग एक काफ़ी ही मैजिकल टेक्निक। फ्रेंड्स, आप भी अपने सारे पौधों को समर में ज़रूर मल्च कर दीजिए, और एजेलिया कैमेलिया जैसे विंटर प्लांट को मल्च करने के लिए हाउसहोल्ड आइटम के साथ आ जाने वाले प्लास्टिक सीड को यूज़ कर लीजिए। आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी अपने पौधों को हेल्दी रखने में इन गर्मियों में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ताकि ये समर केयर टिप सब तक पहुँच सके। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। Green earth, healthy earth, happy earth. Prakriti's garden, signing off.